हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, हर्षल। हेलो एवरीवन, कृषल। हर्षल हर्षल उफ़।
हर्षल यस वेलकम हर्षल, मेरी आवाज आ रही है? हर्षल यस सर। जरा चैट बॉक्स में लिख दो कुछ। चलो तो हर्षल, आज हम अपना टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टेक्निकल में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो है वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब और ज्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि अभी तक कुछ जनरल एप्टीट्यूड था, लेकिन अब टेक्निकल आ गया तो टेक्निकल वैसे ही हमें ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसको, पढ़ चुके हैं, तो काफी एंजॉय करोगे। तो सेशन को स्टार्ट करूं मैं हर्षल? यस सर। चलिए, तो आपने अपने सेमेस्टर में भी एनालॉग या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सब्जेक्ट देखा होगा, वही चीज फिर रिपीट होगी, लेकिन अब की बार ये आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है अर्शल? और यदि मैं इसके वेटेज की बात करूं तो आप ईसी के हैं या डबल ई के हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांचेस में गेट में जो उसका वेटेज है वो है 8 to 10 marks। एट टू टेन मार्क्स है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो तो यहां पर हमें क्या क्या देखना है उसको मैं बता देता हूं। फर्स्ट रहेगा वो रहेगा डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड रहेगा बीजेटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस के अंदर ही आ गए एम्पलीफायर, बीजेटी बाइसिंग, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन,
एटसेट्रा। इसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट वन, वो रहेगा ऑपएम्प। ठीक है, इसके बाद रहेगा फैट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है हर्षल, तो ये रहेंगे और इसी के अंदर फिर कई सारी चीजें और भी हैं जो मैं उसी टाइम पे डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, तो देखा जाए तो मोटामोटी हर एक टॉपिक में से 2 मार्क्स का वीडियो बन रहा है। हर एक टॉपिक में से 2 मार्क्स का फर्स्ट टॉपिक डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स का ही सेकंड टॉपिक जो है बीजेटी एंड इट्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स का ही ओपन पे से क्वेश्चन आता है। आप यदि देखोगे गेट के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, फैट, फैट के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे मॉसफेट। तो मॉसफेट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस पर भी एक क्वेश्चन आते ही आता है 2 मार्क्स का। इस तरह से मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम 8 मार्क्स तो हो ही रहा है, और कहीं पर कोई टॉपिक किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके पूछ लिया तो वो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, 10 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। ठीक है हर्षल, तो यहां पर मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करता हूं वन बाई वन। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं यहां पर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है हर्षल, तो फर्स्ट है डायोड। इस डायोड को ही हम लोग बोलेंगे पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। तो बेसिकली यदि मैं डायोड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये टर्मिनल है एनोड, जिसको कि मैं शॉर्टकट में ए लिखूंगा, ये टर्मिनल है कैथोड, और बेसिकली एक तरफ हम पी टाइप की डोपिंग करते हैं, एक तरफ हम एन टाइप की डोपिंग करते हैं। तो यहां पर हमारे होल्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी में यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी में, ठीक है, यहां पर एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ, ठीक है, और इसी डिप्लेशन विड्थ की जो विड्थ होती है ये होती है डब्लू, और यहां पर एक फील्ड जनरेट होती है, फील्ड जिसकी डायरेक्शन एन टू पी होती है, और इस फील्ड की फील्ड इंटेंसिटी होती है वी नॉट। तो वी नॉट को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, या फिर आपने इसको बुक्स में कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के नाम से भी सुना होगा, या फिर आपने पोटेंशियल बैरियर के नाम से भी सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस डायोड का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, ये जो डायोड बनाया है मैंने, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो इस डायोड में करंट हमेशा इस एरो की डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो बोला जा सकता है कि डायोड हमारा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। डायोड हमारा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब इसमें
करंट की डायरेक्शन केवल एक तरफ ही रहेगी, इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। इसको हम लोग बोलते हैं डायोड करंट इक्वेशन या डायोड करंट, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ और चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि ये जो आई नॉट है ये तो आई फ्लो हो रही है ना, ये जो आई नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। पहले हर्षल सुन लो, उसके बाद में टाइम दूंगा उसमें फिर नोट कर लेना आप, है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना। तो बेसिकली ये जो करंट है ना ये किसी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर, डिपेंड ओनली टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड थिंग, वी जो है ये है जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल मतलब ये है कि ये जो जंक्शन दिख रहा है आपको, ये जो डिप्लेशन विड्थ दिख रही है ना, यहां पर कितना पोटेंशियल है। तो अभी तो मैंने ओपन सर्किट की बात की है, बताऊंगा ओपन सर्किट की सॉल्व क्या होता है, अभी तो मैं ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने इसके बाहर कोई सप्लाई वोल्टेज अप्लाई की नहीं, तो अभी तो वी नॉट ही है, तो वी नॉट ही लूंगा, अदरवाइज मैं बताऊंगा कि क्या लोगे आप। तो वी है जंक्शन पोटेंशियल। उसके बाद वी टी जो है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज। तो बेसिकली वी टी की वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट एट टी इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। तो 300 डिग्री केल्विन पर वी टी की जो वैल्यू है फिक्स है 26 मिली वोल्ट होती है। तो हर्षल पहले इतना नोट कर लो क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे। ओके सर, कर लो इसको नोट, जब नोट हो जाए तो बताना मुझे, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। सर हाँ हर्षल सर, आई जीरो ई के रेस्ट में क्या है, क्या बोल रहे हो, ई रेस्ट टू क्या है? देखो ये डायोड करंट इक्वेशन लिखी हुई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि जगह मेरे पास अभी है नहीं तो मैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं आगे और जो चीजें बची हुई उनको ही बताऊंगा।
हो गया सर, हो गया ना। चलो हाँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहा हूं। देखो मैंने आई नॉट बता दिया, वी बता दिया, वी टी बता दिया, है ना। नेक्स्ट वन जो है वो है वी टी, सॉरी नेक्स्ट वन है वो है ईटा। तो ईटा को हम लोग बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर, एक तरह से ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू वन होगी या वन लेंगे फॉर जर्मेनियम केस। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हम मटेरियल यूज करेंगे डायोड को बनाने के लिए, वो हम दो में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, या तो जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। तो जर्मेनियम लिया तो ईटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे, वन लेंगे, और यदि हमने सिलिकॉन लिया तो ईटा की वैल्यू हम लोग टू लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो आपने पीछे वाली स्लाइड में वी नॉट लिखा है, आपने पिछली स्लाइड में वी नॉट लिखा है ना, जिसको कि हम बिल्ट इन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ये भी फिक्स है। ये फिक्स कैसे है कि 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो गेट में पता नहीं 10-12 बार तो इन्होंने यही चीज पूछ ली है कि बिल्ट इन पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम, बिल्ट इन पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन फॉर वन मार्क्स, है ना, एक नंबर के लिए इन्होंने ये चीज पूछ ली है। पूछ सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो वैसे तो आपको ये याद हो जानी चाहिए, और याद नहीं है तो न्यूमेरिकल्स में आपको दिया होगा, लेकिन कहीं पर न्यूमेरिकल इस डेटा पे डिपेंडेंट है तो फिर आपको ये डेटा याद होना जरूरी है, ठीक है। हर्षल इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो यहां पर डायोड का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, डायोड का सिंबल मैंने बता दिया, डायोड में डायोड करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, एनोड टू कैथोड, या फिर जिस डायरेक्शन में ये जो एरो बना हुआ है ना बड़ा वाला, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो कई बार रेलवे के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में वन मार्क्स के लिए ये चीज पूछी कि डायोड कैसा डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल है, बाईडायरेक्शनल है, या दोनों नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो आपके बताओगे यूनिडायरेक्शनल, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। फिर हर्षल ये कुछ बना रहे हो क्या तुम? सॉरी सर गलती से हो गया है, सॉरी सॉरी सर गलती से हो गया, वो ड्रॉप है मेरा। ये हटाओ जरा, ये हट सकता है तो रुको सर मैं करता हूँ कुछ। चलो कोई नहीं, नहीं हट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बता रहा था कि डायोड करंट क्या होती है, I इक्वल टू I नॉट e की पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। तो I नॉट मैंने बता दिया क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि डिपेंड करेगी केवल और केवल टेम्परेचर पर, ठीक है। V मैंने आपको बता दिया जंक्शन पोटेंशियल है, तो जंक्शन पोटेंशियल अभी तो कितना है, V नॉट ही है, क्योंकि ये ओपन सर्किट डायोड है। जब कुछ पोटेंशियल लगाएंगे बाहर से तो हम देख लेंगे उस समय। ईटा मैंने आपको बताई दिया आइडेंटिटी फैक्टर है, वीटी मैंने आपको बताई दिया थर्मल वोल्टेज है, कितना है वो 26 मिली वोल्ट, ठीक है। हर्षल इतना क्लियर है? हर्षल हाँ सर। उसके उसके अरे यार ये तो तुम्हारी हमेशा बनी रहेगी क्या, ये इस स्लाइड पर भी आ गई है, अरे इसको हटाओ इसको सर, वो इरेज नहीं हो रहा है मेरे से। अरे तो ये तुमने तो किया है ये सर, नहीं मेरे तुम्हारे को पास अथॉरिटी तो वैसे है नहीं इस पे कुछ लिखने की, लेकिन तुमने कैसे लिख दिया ये? सर मेरे को ही नहीं मालूम, उधर पेन का मार्कर का ऑप्शन था, मैंने उधर उस पे क्लिक कर दिया, हो गया। एक सेकंड रुको जरा, नहीं क्योंकि ये आगे दिक्कत करेगा तुम्हें भी, देखो ये मतलब हर स्लाइड पर है ये। सर आप प्रेजेंटेशन कट करके फिर से नहीं कर सकते? हाँ नहीं मैं वही करूंगा, लेकिन ये तो मैं नोट कर ली ना कि दोनों स्लाइड। हाँ सर कर ली कर ली। हाँ क्योंकि जब मैं इसको फिर से कट करूंगा तो फिर से नई सर से स्टार्ट होगी स्लाइड, इसलिए बोल रहा हूं। कर रही है हाँ। फिर से शेयर करता हूं मैं। ठीक है, ये विजिबल है ना? सॉरी सर, ये विजिबल है ना सामने? हाँ सर। चलो कोई नहीं, हो जाता है।
तो इतना समझ में आ गया हर्षल? अब यस सर। यहां मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये डायोड है ना? ये एनोड है, ये कैथोड है ना? तो देखो, यदि मैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, तो दो तरह के डायोड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आइडियल डायोड। आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में कि डायोड आपका कैसा है, आइडियल है या फिर प्रैक्टिकल है। तो यहां मैं लेके चल रहा हूं आइडियल डायोड, है ना? देखो, आइडियल डायोड में क्या है कि तुमने कोई डायोड लिया, ठीक है, ये तुम्हारा एनोड टर्मिनल है, ये तुम्हारा कैथोड टर्मिनल है, फाइन। तुम्हें मैंने बताया था कि इस तरफ पी टाइप होता है, इस तरफ एन टाइप होता है, बताया था। अब यदि मैं इसमें बाहर से एक बैटरी लगा दूं, बाहर से मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी को नाम दे दिया मैंने वी, है ना? तो देखो, ये पी इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये एन इस नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम लोग नाम देंगे फॉरवर्ड बायसिंग, क्लियर है? तो फॉरवर्ड बायसिंग पे ये जो डायोड है ना, ये डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस पे डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल डायोड नहीं है, ये आइडल डायोड है, तो डायोड ऑन होने का मतलब डायोड विल लुक लाइक एज ए शॉर्ट सर्किट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना डायोड, ये कुछ इस तरह से ट्रीट हो गया, ठीक है, इस तरह से ट्रीट हो गया। इसका मतलब हमने इसका बिल्डिंग पोटेंशियल कितना कंसिडर किया है, जीरो किया है ना, जीरो। क्योंकि जब कोई दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जीरो ही होगा। तो इस जंक्शन पे वोल्टेज कितना है, जीरो है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट कितनी होगी, इंफिनिटी फ्लो होगी। करंट कितनी फ्लो होगी, इंफिनिटी करंट फ्लो होगी। ये बात समझ में आती है हर्षल? यस सर। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो ये वोल्टेज एक्सेस है, ये करंट एक्सेस है। तो क्या ये लाइन मेरी यहीं खिंच जाएगी? यस हर्षल, बताओ। क्या सर? अरे मैं ये बोल रहा हूं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग समझ में आ गया? हाँ सर, समझ गया। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गया, डायोड तुम्हारा क्या हो गया, ऑन हो गया। हाँ डायोड ऑन होने का मतलब डायोड कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब हमने बिल्टिन पोटेंशियल जीरो लिया है और करंट कितनी फ्लो करा दी हमने, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बायस को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा? वी भी पॉजिटिव है और करंट कहां मूव कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, नहीं कर रही है, हाँ सर, कर रही है। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन होता है रिवर्स बायसिंग, नेक्स्ट वन होता है रिवर्स बायसिंग। तो ये जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड में यदि मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं, लगा दिए बैटरी को उल्टा, तो बैटरी को उल्टा लगाने का मतलब ये हो चुका है रिवर्स बायसिंग। क्योंकि जस्ट रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स बायसिंग करने पर डायोड क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ऑफ होने का मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। इसका मतलब यहां पर करंट जो फ्लो होगी आई, वो कितनी फ्लो होगी, जीरो।
यहां पर जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, जीरो। और आप यहां देख रहे हो कि यहां पर करंट फ्लो जीरो हो रही है, इसका मतलब जो रिवर्स रेजिस्टेंस है क्या वो इन्फिनिटी नहीं हो गया? मतलब रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। किस इक्वेशन से? ओम्स लॉ से, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आर बहुत ज्यादा होगा दैट मीन्स आई बहुत कम होगा। ये बात समझ में आती है हर्षल? यस सर। तो रिवर्स वाइज का मतलब क्या हो गया, बैटरी की पोलरिटी उल्टी कर दी तो नेगेटिव वी एक्सिस पे पहुंच गए हम, और नेगेटिव वी एक्सिस पे पहुंच गए तो करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन करंट नेगेटिव डायरेक्शन की बजाय क्या है, जीरो है। ये बन जाएगा ग्राफ। क्लियर इतना हर्षल? हाँ सर। नोट कर लो आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं सर। वो फॉरवर्ड बायस का दिखाओ ना। हाँ हाँ फॉरवर्ड बायस का देख लो। सर चेंज कीजिए। हो गया ना? हाँ। तो फॉरवर्ड बायसिंग में समझ में आ गया और रिवर्स बायस में समझ में आ गया? ये नोट करने का है मेरे को। हाँ नोट कर लो कर लो। हो गए सर। ठीक है, तो ये कंडीशन है आइडियल डायोड की, है ना? तो यदि सपोज मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये कोई डायोड है,
ठीक है, और मैंने लिख दिया ये डायोड है आइडियल डायोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और रिवर्स बायस का मतलब क्या हो जाएगा हर्षल, ये बात समझ में आती है? यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा आइडियल डायोड। तो जब आइडियल डायोड होते हैं ना, तो हम किसी की बात नहीं करते कि डायोड हमारा जर्मेनियम है या फिर सिलिकन है, बस डायोड आइडियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है, सेकंड वन, वो है प्रैक्टिकल डायोड। नेक्स्ट वन है वो है प्रैक्टिकल डायोड। तो प्रैक्टिकल डायोड में जर्मेनियम या सिलिकन लिखा हुआ रहेगा, मतलब उन्होंने बोल दिया प्रैक्टिकल डायोड, तो फिर साथ में लिखा भी होगा जर्मेनियम या सिलिकन, तभी हम बता पाएंगे। क्योंकि जर्मेनियम का बिटवीन पोटेंशियल कितना होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकन का कितना होता है 0.7, ठीक है। तो देखो हर्षल, यदि ये डायोड मैंने लिया है ना, और मैंने इसके साइड से लिख दिया जर्मेनियम, लिख दिया जर्मेनियम, और यदि मैं इस पे एक बैटरी अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पे बैटरी अप्लाई कर रहा हूं वी, तो ये मुझे समझ में आता है कि ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, ये मेरा फॉरवर्ड बायस है। लेकिन फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब इस जर्मेनियम का मतलब क्या है, इसका बिल्डिंग पोटेंशियल कितना है 0.3। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस तभी माना जाएगा जब V की वैल्यू 0.3 से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, तभी जाके डायोड मेरा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, तभी जाके मेरा डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो इसको मैं रिप्लेस कैसे कर सकता हूं, कर सकता हूं मैं, बोलो यस और नो। यस सर, पहले नोट कर लो आराम से। सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही थी, ये मुझे लग रहा है तुम्हारे एंड पर कुछ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि तुम्हारी भी आवाज कट कट के आ रही है मेरे पास, मतलब। ओके सर, और बाद बाकी मेरे एंड पर भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारी आवाज मुझे कट कट के सुनाई दे रही है तो मेरे एंड पर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सामने विजिबल है पूरा, क्लियर? यस सर, तो नोट करो उसे। डन सर, हाँ हर्षल, डन सर, ठीक। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि प्रैक्टिकल डायोड है, तो प्रैक्टिकल डायोड में जर्मन मतलब जर्मेनियम होगा, तो तुम्हें याद है कितना बिल्डिंग पोटेंशियल होता है 0.3। तो ये डायोड तभी फॉरवर्ड बायस माना जाएगा या तभी ये ऑन होगा जब बाहर से लगाने वाली बैटरी की वैल्यू इस बिल्डिंग पोटेंशियल के बराबर हो या फिर ज्यादा हो, तब जाके ये ऑन होगा। अदरवाइज डायोड कैसा होता, ऑफ होता, तो हम बात ही नहीं करेंगे फिर, तो डायोड यदि ऑफ हो गया तो। मेरी बात समझ रहे हो हर्षल? क्या? यस सर। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यदि फिर से मैंने डायोड ले लिया इसी तरह से, और ये V है, और मैंने इस पर लिख दिया सिलिकन, तो इसको फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए
या डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन लिखूं मैं हर्षल? सर वोल्टेज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.7। वेरी वेरी गुड। अब तुम्हें बात समझ में आ गई, सिलिकन है तो सिलिकन का बिल्डिंग पोटेंशियल कितना होता है? 0.7। इसका मतलब इसको ऑन करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा ऑन हो जाएगा और कैसा शो करेगा ये? 0.7। क्लियर है ये? तो ये दोनों ही केस मेरे तब हैं जब मैं फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूं, मतलब बैटरी को मैंने इस तरह से लगाया है कि बैटरी इस डायोड को ऑन करने की कोशिश करे। क्लियर है हर्षल? हेलो सर। हाँ हर्षल। हाँ क्लियर है ना? यस सर। चलो आप प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड बायस को तो आपको समझ में आ गया। यदि मैं इसको उल्टा ले जाऊं, मतलब डायोड बना हुआ है इस तरह से और बैटरी को मैं उल्टा कनेक्ट कर दूं, तो चाहे जर्मेनियम हो या फिर सिलिकन हो, चाहे जर्मेनियम या सिलिकन हो, दोनों डायोड कैसे होंगे? ये ऑफ होंगे। तो हमें यहां पे डिस्कस ही नहीं करना ज्यादा। ठीक है फिर। यस सर। ठीक है ना? हाँ चलो तो कुछ प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, उससे चीजें और समझ में आएंगी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं सारी की सारी प्रॉब्लम आइडियल डायोड की। मतलब मैंने पहले से मेंशन कर दिया दीज डायोड्स आर आइडियल, जितने भी डायोड आने वाले सारे कैसे आइडियल है। तो ये फर्स्ट केस है तुम्हारे पास, सपोज ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक तो आई की वैल्यू बताओ और एक वी नॉट की वैल्यू बताओ। सर हाँ सर
हेलो सर, हाँ हर्षल, सर बताओ ना। अच्छा पूछ रहे हो क्या? अच्छा मुझे लगा कर रहे हो। ये बताओ मुझे हर्षल, क्या ये डायोड फॉर्ड बायस में है? अच्छा यस सर, क्योंकि पॉजिटिव इसके एनोड से ऐड हो रहा है, मतलब पॉजिटिव से ऐड हो रहा है, और नेगेटिव इसके कैथोड से ऐड हो रहा है, मतलब नेगेटिव से ऐड हो रहा है, तो डायोड मेरा फॉर्ड बायस है। चूंकि डायोड मेरा आइडियल है तो मुझे कुछ सोचना समझना ही नहीं है। ये डायोड को क्या कर देगा? ऑन कर देगा, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देगा हर्षल। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये बताओ हर्षल, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या वी नॉट जीरो नहीं होगा? हाँ सर, तो वी नॉट मेरा कितना आ गया? जीरो आ गया। अब मुझे निकालना है आई, कितनी आई फ्लो होगी। तो आई इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 40 वी अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 1 किलो। तो क्या 40 मिली एम्पियर नहीं आ गया? बताओ हर्षद। यस सर, आया ना समझ में? हाँ सर, चलो नोट कर लो पहले इसको। हो गया सर। हो गया। यस सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं मैं? हाँ कितना होगा आई और वी नॉट? सर वही होगा आंसर। अरे वही कैसे हो जाएगा? नेटवर्क में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सर्किट थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस, जो भी आप नाम बोलते हो सब्जेक्ट का, सर ये फॉरवर्ड बायस है ना। नहीं देखो मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है कि जो मैंने करंट की डायरेक्शन बताई है उस डायरेक्शन में करंट का अमाउंट कितना है, और जो मैंने वी नॉट रिप्रेजेंट किया है उस वी नॉट की वैल्यू कितनी है। सर बताओ ना। क्यों करो ना, ट्राई करो ना। ये डायोड जो है क्या ये फॉरवर्ड बायस है? डायोड, यस सर, डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो इसको हम ऑन कर दें।
इतना समझ में आता है हर्षल? हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ कि मैं क्या यहां पर केवीएल लगा सकता हूं? अप्लाई केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जानते हो ना? हाँ सर। तो केवीएल लगाऊंगा तो मैं यहां से एंटर कर रहा हूं, इस पॉइंट से एंटर कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या मिला? प्लस 40 वोल्ट। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे यहां पे क्या मिल गया? 0 वोल्ट, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, ये जो पॉइंट्स है दोनों ये शॉर्ट सर्किट है। प्लस और आगे बढ़ा तो मुझे किस क्या मिला? प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं ये। तो यहां से मैंने देखा कि वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 40 वोल्ट। तो जो वी नॉट है वो आ चुका है माइनस का 40 वोल्ट। क्लियर है हर्षल? यस सर। सर मतलब वोल्टेज लॉ में सिर्फ वोल्टेज लेने के ना? क्या वोल्टेज लॉ में करंट लेने का ना सर? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करना। करंट की वैल्यू कंसीडर नहीं करने के ना 1 किलो ओम? नहीं नहीं, करंट में निकाल रहा हूँ ना, अभी तो मैंने वोल्टेज बताया है, तो मैं सबसे पहले अब करंट की बात करने वाला हूँ मैं। ओके सर। करंट जब फाइंड आउट करोगे आप, तो आप देख रहे हो कि करंट इसी लूप में तो फ्लो कर रही है, तो आप इस लूप में जब देखोगे तो करंट जो इस लूप में आ रही है वही करंट तो इस ब्रांच में आ रही है, और इस ब्रांच में करंट आ रही है तो I इज इक्वल टू इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? वी नॉट। तो मैंने वी नॉट लिख दिया अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो। लेकिन वी नॉट की वैल्यू कितनी है? माइनस 40 वोल्ट अपॉन 1 किलो। इसका करंट कितनी आ गई? माइनस 40 मिलियन। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 40। I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? माइनस 40। आंसर आया क्या सर? हाँ बोलो सर। माइनस में आंसर आया तो देखो, अब यहां पर तुम्हें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। माइनस में करंट आती है, इसका मतलब हमने अपने क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन ये मानी है, लेकिन एक्चुअल में सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है ये माइनस इंडीड क्या कर रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो बात तो सही है ना? मैंने भी तुम्हें क्या बताया था कि डायोड में करंट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? इस डायरेक्शन फ्लो होगी या नहीं होगी? डायरेक्शन बताया था। हाँ। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन तो यही होगी जो कि होनी चाहिए। तो यहां पर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वेश्चन में करंट हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल करंट की क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बस माइनस इतना इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। और सिमिलरली यहां पर वोल्टेज माइनस में है, तो वोल्टेज माइनस में ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी उसके जस्ट उल्टी है। आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी जस्ट उसके उल्टी है। और ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायोड जो है वो इस समय उल्टा लगा हुआ है। हाँ सर। ठीक है हर्षल। यस सर। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे। और ट्राई करो, मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा कि मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा।
तो तुम्हें बताना है आई क्या होगा, आई नॉट क्या होगा, आई एल क्या होगा और वी नॉट क्या होगा। सारे सिंबल मैंने इंडिकेट कर दिए सर्किट डायग्राम के अंदर, तो आराम से टाइम लो 5 मिनट 7 मिनट जो लेना है और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। हेलो सर। हाँ सर। सर मेरे को नहीं बना सर, मेरा ये थोड़ा वीक है सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी डाउट हो मुझसे पूछ लेके बनाओ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो डायोड है ना, ये डायोड किस को फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड बायस को फॉलो कर रहा है या रिवर्स बायस को फॉलो कर रहा है। फॉरवर्ड बायस। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पॉजिटिव से ये P कनेक्टेड है और नेगेटिव से ये वाला सिंबल कनेक्टेड है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में। आपने लिखा डायोड हैव फॉरवर्ड बायस है ना, पहली बात तो ये। अब चूंकि डायोड चल रहा है आइडियल, तो आइडियल डायोड का मैंने क्या बताया था आपको कि कुछ नहीं करना, फॉरवर्ड बायस का मतलब है जस्ट लाइक एज ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है हर्षल, इतना क्लियर है हर्षल? यस सर। अब मुझे कुछ चीजें बताते चलना कि ये ब्रांच जो है ये शॉर्ट हो गई है, ये ब्रांच शॉर्ट हो गई है, इसका मतलब इस ब्रांच में वोल्टेज जीरो हो गया है। हाँ सर। तो इस ब्रांच के पैरेलल में ही तो ये ब्रांच लगी हुई है। यस सर। इसका मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो हो गया होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना आ गया, जीरो वोल्ट नहीं आ गया। हाँ सर। ये बात समझ में आई ना? यस सर। यस सर। चलो तो इसको मैंने कर दिया जीरो वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर है हर्षल? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि जब कोई सर्किट शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट सर्किट पाथ में से ही तो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, से यस और नो? यस सर। तो यदि मैं इस नोड पर केसीएल लगाऊं, मैं इस नोड पर केसीएल लगाऊं तो केसीएल क्या बनाऊंगा, ये तो बनाऊंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई एल, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? हाँ सर।
पहले या तो नोट कर लो या पहले देख लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। नहीं सर मैं देख रहा हूँ सर। हाँ मैं नोट करने के लिए तुम्हें टाइम दूंगा, तो पहले समझ लो, क्योंकि समझ में आ गया तो फिर आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हाँ कैसे सर। समझ में आया तुम्हें हर्षल? यस सर आपने इस नोड पे कैसे लगाया? हाँ तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरी ब्रांच है ना जिसमें डायोड था, ये मेरी शॉर्ट हो गई, ये शॉर्ट हो गई, इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही होगी ये मेरी मैक्सिमम होगी। हाँ सर मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब पूरी की पूरी आई करंट यहीं चली जाएगी आई नॉट में। सर फिर आयर के इधर कुछ भी नहीं जाएगा करंट। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो कि हाँ सर जब कोई पाथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो उस सर्किट में जितने भी करंट है ना वो सारी की सारी उस शॉर्ट सर्किट करंट को फॉलो करती है। तो इस सर्किट में जो मेन करंट बन रही है ना वो बन रही है आई, क्योंकि सोर्स से बन रही है वो बन रही है आई, लेकिन इस डायोड के शॉर्ट होने के कारण ये आई अपने शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगी, ये बोला जाता है, ये अपने शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगी तो उस समय लोड करंट जो है वहां तो कोई करंट पहुंच ही नहीं पाएगी, इसका मतलब लोड करंट कितनी हो जाएगी, 0 एम्पियर नहीं हो जाएगी हर्षल। हाँ सर तो क्या मैं आईएल को 0 एम्पियर बोल सकता हूं? यस सर ठीक ठीक है। है ना, हाँ चलो इतनी बात समझ में आ गई ना। हाँ अब तुमसे बोल रहा है कि बताओ आई कितनी होगी, तो मुझे ये समझ में आ गया कि आई और आई नॉट ये तो दोनों बराबर ही हो गई है। यस सर तो आई और आई नॉट बराबर हो गई है, तो तुम यदि इस केवीएल को फॉलो करोगे, इस केवीएल को फॉलो करोगे, तो केवीएल तुमसे क्या बोल रहा है कि कितना वोल्टेज है, -40 वोल्ट, प्लस कितना रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम, इनटू कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो यहां से आई इज इक्वल टू 40/1K, दैट मींस 40 मिली एम्पियर नहीं आ गया, हाँ सर और यही आई तो मेरा क्या है, आई नॉट है। हाँ तो क्या मैं यहां पर ऊपर आई इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू 40 मिली एम्पियर लिख सकता हूं क्या? यस सर तो ये मेरा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सर क्लियर? यस सर कोई भी डाउट हो तो फ्री फ्री तरीके से पूछ लो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, लेकिन हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। मतलब यहां पर तुम्हें जो भी लग रहा है, केसीएल सर कैसे लगाया, केवीएल कैसे लगाया, कैसे डायोड ऑन हुआ, कैसे डायोड ऑफ हुआ, जो भी है पूछ लो आराम से। सर ये -40 क्यों लिया? -2 प्लस गया इसलिए ना सर। अच्छा -40 क्यों लिया है, चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां देखना कि सपोज ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, ठीक है? तो बैटरी का बड़ा वाला लाइन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे शो करता है और छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल पे शो करता है, ठीक है? और इस बैटरी का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया V है, तो इस बैटरी के कारण इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड है आई, ठीक है? तो अब यदि कोई मुझसे पूछता है कि मुझे यहां पर केवीएल लगा के बताओ, मुझे यहां पर केवीएल लगा के बताओ, तो केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट में समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज शुड बी इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट, दुनिया का कोई भी सर्किट हो, उसके किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी क्लोज लूप सर्किट में वोल्टेज का समेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है?
अब वोल्टेज का समेशन जीरो होगा, तो अब हमने यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि जब मैं इस नोड से इस बैटरी में अंदर एंटर कर रहा हूं, तो फर्स्ट मुलाकात मेरी किससे हो रही है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हो रही है, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस। क्यों लिख रहा हूं माइनस, क्योंकि निगेटिव मुझे पहले दिखा, तो माइनस, और कितना इस बैटरी का जो मैग्नीट्यूड है वी। ये बात समझ में आई हर्षल, माइनस वी? हाँ सर। अब मैं आगे बढ़ा, तो इस आर के अक्रॉस भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना, तो I तो इसके अंदर एंटर कर रही है, तो करंट हमेशा जब भी किसी रेजिस्टेंस में एंटर करेगी वो प्लस टर्मिनल से करेगी हमेशा, तो प्लस से कर रही है इसलिए मैंने यहां प्लस लिख लिया, करंट I इंटू आर वन। तो मैंने ये तो बताया कि वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख लिया मेरा हर्षल। हाँ सर। प्लस मैं आगे पहुंचा तो फिर यही करंट, सेम करंट इस R2 में एंटर कर रही है, अब R2 में एंटर कर रही है तो इसके अक्रॉस में तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट अभी भी कितनी है, आई है, लेकिन रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, R2। ठीक है, तो अभी भी मैंने इसको प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया कि कभी भी कोई भी करंट किसी रेजिस्टेंस में जब एंटर करती है तो वो टर्मिनल होता है पॉजिटिव। ठीक है हर्षल, तो अब मुझे बताओ कि इस क्लोज सर्किट में एक एक यहां बैटरी लगी है वी, एक रेजिस्टेंस लगाए उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, एक रेजिस्टेंस और लगाए उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, तीनों वोल्टेज का समेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यही हमारा क्या है, केवीएल है। हर्षल यस सर, ये समझ में आया क्या कुछ? हाँ सर समझे सर। चलूं आगे तो फिर मैं? यस सर। सर मैं नोट कर लिया सर, लिख लेता हूँ ना। हाँ लिखो लिखो, बिल्कुल लिखो। हो गया सर। हो गया, चलूं आगे? यस सर। अच्छा मैं तुम्हें सपोज ये दे दूं, थोड़ा रुक जाना यार, मुझे केवीएल बता दे दो, क्योंकि केवीएल में तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं तो। क्या तुम मुझे इसमें के वी एल इक्वेशन लगा के दिखा सकते हो हर्षल? केवीएल इक्वेशन को केवल आपको ड्रॉ करके बताना है, बता सकते हो? यस सर, आई विल ट्राई सर। हाँ करो करो, ट्राई करो।
हार्शल V1 एक सेकंड मुझे नोट करने दो। फर्स्ट तुम बोल रही हो, मैं ऐसे डायरेक्शन ऐसी बनाई है तुमने, हाँ सर वैसे बनाए, ठीक है तो क्या बोल रहे हो प्लस V1? यस सर, ठीक है प्लस प्लस IR1 वेरी गुड माइनस V2 वेरी प्लस गुड प्लस IR2 वेरी गुड। प्लस V3। अब आगे समझ में कैसे बनती है केवीएल इक्वेशन, यस सर, ठीक है ना? हाँ सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं मैं। यस सर, बताओ सर, ये रिवर्स बायस है ना, हाँ, रिवर्स वाइज ही होगा यदि है तो। करंट 0 होगा फिर सर। हाँ मुझे तुम आई आई नॉट आईएल वी नॉट इन सारी वैल्यूज बता के बताओ ओके सर, आराम से, स्टेप बाय स्टेप करो।
सर हाँ सर, सर आई इज इक्वल टू -40 mA, आई इज इक्वल टू -40 mA। गलत है, तुक्का मार रहे हो क्या? नहीं सर, फिर मैनुअली करो तो करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा एकदम। सर वैसे ही किया सर। चलो मैं बताता हूं, कोई इशू नहीं है। देखो हर क्वेश्चन को ना सॉल्यूशन की बजाय ये समझने की कोशिश करो। देखो क्या है ना कि अभी तो मैं हूं, कोई इशू नहीं है, और अभी डायोड है केवल। अभी डायोड के बाद कुछ देर बाद बीजेटी आएंगे, ऑपएम्प आएगा, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात? मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि तुमने केवल इक्वेशन को सही बता दी एक बार बताने के बाद। तो अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा कि जहां पर तुम्हें डाउट लग रहा है ना, उसको खत्म करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्यों, मतलब मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मुझसे आंसर नहीं आ पाया सही। अब तुम इसका बता रहे हो आई इक्वल टू -40 mA, तो पता है मुझे क्या समझ में आ रहा है कि तुमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है शायद, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। चलो कोई इशू नहीं है। इधर देखो हर्षल, सबसे पहले देखो कि ये 40 वोल्ट की जो बैटरी है ये डायोड को क्या कर रही है, रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस। एग्जैक्टली, तो डायोड इज रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस है। इसका मतलब डायोड क्या हो गया, ऑफ नहीं हो गया? यस सर, डायोड ऑफ होने का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट ओपन सर्किट। हो गया। अब डायोड जब मेरा ओपन सर्किट हो गया हर्षल, तो मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं डायोड को। क्लियर है? जब मैंने डायोड को यहां से हटा दिया, तो पहली बात तो आई नॉट क्या जीरो नहीं हो गया? यस सर, ये बात समझ में आती है हर्षल? हाँ सर, और जब आई नॉट जीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी करंट आई जो है वही तो आईएल में फ्लो हो जाएगी। हाँ सर, ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब मुझे या तो आईएल निकाल लो या वी नॉट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, मुझे वी नॉट निकालना है। तो V नॉट इज इक्वल टू, मैं देख पा रहा हूं कि 40 वोल्ट इनपुट पर है, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो, अपॉन 1 किलो प्लस 1 किलो। वोल्टेज डिवाइडर रूल जानते हो क्या हर्षल? ये नो सर, 40 वोल्ट जो वोल्टेज था, ये दो रेजिस्टेंस के सीरीज में डिवाइड हुआ है, 1 किलो और 1 किलो। तो मुझे तो इस 1 किलो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वो मैंने यहाँ के लगा दिया वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज लिखो, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे वोल्टेज उस रेजिस्टेंस को लिखो, और उस ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस है उस सारे रेजिस्टेंस को लिखो। ठीक है ऋषल? यस सर, या ये पता है ना? ये तो हाँ सर, आपने बताया ना सर अभी। इसको सॉल्व करके क्या मेरा 20 वोल्ट नहीं आएगा? यस सर, यस सर, क्लियर है हर्षद? हर्षल यस सर, हाँ ये 20 वोल्ट समझ में आया क्या? सर, समझा। अच्छा, अब
20 वोल्ट समझ में आ गया तो आई निकाल लोगे क्या? आई इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज यहां पर कितना है 40 माइनस, यहां पर वोल्टेज कितना आ गया 20, और बीच में रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम। सही लिखा है मैंने? हाँ सर। तो क्या ये 20 मिली एम्पियर नहीं हो गया? यस सर। तो लोड करंट और मेन करंट आई और आई दोनों सेम है, तो यहां से ये मेरे सारे के सारे आंसर आ चुके। हेलो सर। हो गए सर। तो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहे कुछ? तो अब थोड़ा सा मैं लेवल और इंक्रीज कर रहा हूँ। हाँ सर, लेकिन वो मेरे को वो नहीं समझ रहा कि किधर कौन सा रूल लगाने का मतलब क्या 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 कौन से सर्किट में कौन सा, आपने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया ना सर, मतलब हर एक इक्वेशन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूल अप्लाई किया। नहीं देखो, ये जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है, करंट डिवाइडर, ये तो बेसिक है। ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एनालॉग का पार्ट नहीं है, एनालॉग में तो ये यूज हो रहा है। सर बताऊं क्या मैं? नो सर, आप इक्वेशन सॉल्व करते करते भी बता देना सर। ठीक है, तो ये समझ में आया ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताना मुझे। तो बिल्कुल आराम से टाइम लो, बताओ मुझे कि V नॉट कितना होगा और I कितना होगा। अभी भी डायोड कैसे हैं आपके? आइडियल ही हैं अभी भी।
हेलो सर, हाँ रिशल, सर वी नॉट 10 वोल्ट आया। वी नॉट 10 वोल्ट, और आई कितना आ रहा है? नहीं बना हर्षल, हर्षल यस सर, देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो कि डायोड क्या होगा, क्योंकि सारा खेल जो है वो है डायोड का। तो मैं देख पा रहा हूं कि
ये जो टर्मिनल है ये तो ग्राउंड है, ये तो कुछ बेचारा कर नहीं पाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है या नहीं है डायोड के? यस सर। तो इस बैटरी की पोलरिटी ऐसी दी हुई है जिसके कारण डायोड क्या हो गया, फॉर्ड बायस हो गया। और डायोड फॉर्ड बायस होने का मतलब डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट, क्लियर। तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं हर्षल? कर सकता हूं मैं ऐसे ड्रॉ हर्षल? यस सर। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड तो सीधे वी नॉट से कनेक्टेड हो गया, तो वी नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट नहीं होगी। से यस और नो? यस सर। अब मुझे बताना है आई, तो ये जो आई है ये इस ब्रांच में ही तो फ्लो हो रही है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज कितना है, 0 माइनस फाइनल वोल्टेज। फाइनल वोल्टेज कितना है, बैटरी चूंकि उल्टी लगी हुई है तो माइनस पहले लिखूंगा मैं, तो माइनस 10। तो यही दो वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिफरेंस हो गया अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 1 किलो ओम। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिली एम्पियर। अब बताओ यहां पर क्या इश्यू हो रहा था तुम्हें? फिर वही आपने वो ग्राउंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू V0, दैट्स व्हाई V0 इज। तो सीधी सी बात है, कोई भी डायोड जब ऑन हो गया, तो कोई भी डिवाइस जब ऑन हो गई है, तो उसका इनपुट टर्मिनल पर जो भी इंफॉर्मेशन है, इनपुट टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज है, करंट है, वो आगे की तरफ पास ऑन होगी ना। तो यही ग्राउंड का मतलब क्या है, 0 वोल्ट। तो यही 0 वोल्ट तो दिखेगा वी नॉट को, और क्या दिखेगा वी नॉट को? यस सर। आया समझ में? चले क्वेश्चन पे आगे। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब मैंने यहां पर एक से ज्यादा डायोड लगाने की कोशिश की है, हमें परेशान नहीं होना, हमें अपने बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए करना है। तो आपको केवल बताना है I इज इक्वल टू कितना होगा।
सर हार्शर सर -20 mA -20 mA ये बता रहे हो? यस सर मैं तो लेकिन ये तो अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होने वाला है। अच्छा चल ये बताओ मुझे कि डायोड D1 क्या फॉरवर्ड बायस मोड में है? यस सर फॉरवर्ड बायस। तो ये तो ऑन होगा, ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, मानते हो? हाँ सर। लेकिन डायोड D2 देखना जरा, D2 किस कंडीशन में आ रहा है? D2 तो उल्टा लगा है D1 का, रिवर्स बायस्ड। तो ये रिवर्स बायस नहीं हो गया? रिवर्स बायस का मतलब डायोड ऑफ नहीं हो गया? डायोड ऑफ होने का मतलब ओपन सर्किट नहीं हो गया? तो बच्चा मुझे ये बताओ, यदि मैं इसको शॉर्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा? बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा हर्षल? हाँ सर। तो जब ये ओपन ही हो चुका है तो इसमें से कोई करंट फ्लो करेगी? हाँ सर बराबर। करंट फ्लो करेगी इसमें से? नहीं करेगी क्योंकि ओपन ही हो चुका है। करंट यहाँ पर -20 mA का आ रही है, केवल 0 A आ रही है। यस सर। सर मैं सर्किट बना लेता हूँ लेकिन वो समझता नहीं क्या आगे क्या करने का। बनाओ नहीं सर, मतलब मैंने सर्किट बना लिया था जैसे आपने बनाया ना सर, लेकिन मेरे को आगे का नहीं समझता है सर उससे। आगे का मतलब ये तुमने ये बना ली है जो मैंने बनाया है अभी सामने? हाँ ये सर्किट बना लिया था सर मैंने। नहीं तो जब सर्किट तुमने बना लिया तो मैंने तो केवल तुमसे D2 में फ्लो होने वाली करंट पूछी है ना, I सामने एरो बना रखा है मैंने। हाँ सर। तो जब इस I की बात कर रहा हूं तो जब ये सर्किट ओपन ही हो चुका है तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगी नहीं? तो करंट फ्लो नहीं करेगी तो करंट कितनी फ्लो होगी? 0 A होगी। यस सर राइट है ना? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर नोट कर लो उसको, नोट कर रहे हो तो? यस सर नोट कर रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं? यस सर। हाँ कर लो कर लो, जब हो जाए तो बता देना मुझे। डन सर।
हार्शल हो गया सर। अच्छा हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं मैं। ठीक है अर्शल, तो यहां से देखने पर मुझे इंपीडेंस ZAB कितना दिखेगा। अभी वो कई सारे वैरायटी क्वेश्चन रहेंगे इसमें डायोड के साथ, अब इन्होंने कुछ और चीजें पूछ ली। अब मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि AB के इक्विवेलेंट जो इंपीडेंस होगा वो कितना होगा। सर हर्षल बताओ सर, करो ना हर्षल। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चेक करना है डायोड क्या है, ओपन या शॉर्ट। तो ये बताओ बच्चे कि ये 10 वोल्ट की बैटरी जो है डायोड D1 को ऑन करेगी। यस सर, फॉरवर्ड बायस करेगी ना। तो इसको तो मैंने ऑन कर दिया ठीक है, लेकिन डायोड D2 जो है क्या ये ऑन होगा। नो सर। क्लियर है इतना। यस तो मैं बोल सकता हूं डायोड D1 ऑन, डायोड D2 ऑफ। जब डायोड D2 ऑफ हो गया तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल है हर्षल। नो, हटा दो इसको। अब हटा दिया तो यहां से देखने पर मुझे केवल क्या दिख रहा है, कि 5 किलो ओम ही तो दिख रहा है। यस सर। तो क्या ZAB इज इक्वल टू 5 किलो नहीं दिख सकता मैं। हर्षल सर मतलब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है सर? नहीं, इम्पीडेंस का फॉर्मूला कुछ नहीं होता। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं R, एक होता है कैपेसिटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं XC इज इक्वल टू 1/ωC, एक होता है इंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं XL इज इक्वल टू ओमेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि इंपीडेंस का मतलब ये होता है कि कहीं पर R आ जाए, C आ जाए, L आ जाए, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम उसी को बोलते हैं इंपीडेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस। तो इंपीडेंस इज नथिंग बट ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो यहां पर इन्होंने इंपीडेंस वर्ड का नाम इसलिए दिया
क्योंकि एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, तो हो सकता था दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आते, हो सकता था दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आते, हो सकता था एक रेजिस्टेंस ही बचता जैसे कि इस वाले केस में बचा है। ठीक है, यस सर, यस सर, समझा सर मैं। समझे ना? तो देखो यस सर, ये क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया? सर कर रहा हूँ, कर हाँ रहा कर हूँ। लो कर लो कर लो, जब हो जाए तो बताना मुझे। हो गया। हुआ? यस सर, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने चेंज कर रहा हूं, तुम बताना इसका आंसर क्या होगा। यदि मैं इस डायोड को बजाय ऐसा बनाने की, देखो ऐसा बनाने के बजाय मैं यदि इस तरह से बना देता, तो बता पाओगे हर्षल अब इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना होना चाहिए? सर 3/10, कितना? 3/10। 3/10, 3/10, 1 सेकंड, नहीं गलत है अभी भी, क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा ना सर। नहीं ऐड तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐड एडिशन किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में या सीरीज कॉम्बिनेशन सर में? पैरेलल में होगा ना। पैरेलल में होगा, तो हाँ पैरेलल में होगा तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, 10 पैरेलल टू 5, तो इसको हम लिखते हैं 10 × 5 50 अपॉन 10 + 5, तो कितना हो गया 50/15, तो 5 3 = 15, 5 10 = 10, मतलब 10/3 आ गया। जो तुम 3/10 बोल रहे थे वो एक्चुअल में 3/10 नहीं होगा, 10/3 होगा। सर, 1/10 + 1/5 ऐसा एडिशन कर लेगा ना सर। हाँ वो भी कर लो, चलो मैं कर लेता हूँ, लो इधर कर लेता हूं, 1/ZAB = 1/10 + 1/5, एलिशियम लिया 10 × 5, तो 5 + 10 कितना हो गया 15/50, कितना हो गया 3/10, लेकिन ये तुम्हारा कितना निकला है, 1/ZAB निकला है। तुमसे पूछा क्या गया है, जेड भी पूछा गया ना कि 1/ZAB, तो क्या बताओगे 10/3 किलो ओम नहीं बताओगे हर्षल? यस सर, हाँ तो बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की ना तुमने, चलो सर, कोई नहीं कर लो नोट कर लो से। डन सर, हाँ हर्षल वही हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है तुम्हें, तो तुमसे मैं पूछना चाह रहा हूं वी नॉट का एक्सप्रेशन कितना होगा। सर हाँ हर्षल, सर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट आ रहा है। हाँ 3 वोल्ट थोड़ा सा गलत हो गया तुम्हारा, हालांकि तुम्हारी अप्रोच सही थी। देखो हर्षल, ये जो डायोड D1 D2 D3 है ना, तो ओनली डायोड D2 जो है ना वो ऑन होगा, क्योंकि यहां से 5 वोल्ट का सफिशियंट वोल्टेज मिल रहा है और इस एंड पर 2 वोल्ट के आसपास है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस एंड पर 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट इसको रिवर्स वाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो D2 ऑन हो जाएगा, लेकिन D3 और D1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा मेरा सर्किट। बन जाएगा ये। अब तुम देखो तो क्या ये वी नॉट तुम्हें इस 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा, यस सर दिख रहा है, दिख रहा। देयरफोर वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो एक्चुअल में मतलब प्रैक्टिकली 5 क्या सर, ये 2 वोल्ट का कुछ रोल में है क्या आगे वाला, क्या 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 क्या, ये इधर 2 वोल्ट है देखो ना, ये जो 2 वोल्ट, हाँ नहीं नहीं देखो मैं ये समझा रहा हूं कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक ये वोल्टेज कितना है, वी नॉट है ना, यस सर। और ये जो वी नॉट वोल्टेज है, क्या ये 5 वोल्ट के पैरेलल में नहीं है? हाँ सर। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होते हैं ना बच्चे, सर पर 2 वोल्ट भी उधर पैरेलल में है ना। 2 वोल्ट का 2 वोल्ट पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में रेजिस्टेंस और इसके साथ करंट, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब मैं वी नॉट का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो वी नॉट का एक्सप्रेशन होगा आई इंटू आर प्लस 2। ये जो वी नॉट निकला है ना, ये वी नॉट इस आर इस आई और इस 2 के कारण, तीनों कारण मिलकर वी नॉट बन रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट भी इन एक्सप्रेशन के बराबर है और ये 5 वोल्ट के बराबर है, क्योंकि तीनों पैरेलल में नहीं है।
यस सर नहीं नहीं देखो नहीं आया समझ में, मैं फिर बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहां पर मैंने लगा दिया सपोज 1 ओम का रेजिस्टेंस और 2 वोल्ट की बैटरी, और फिर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ कि यहां पर वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट बताओ, तो बेसिकली ये जो वी नॉट है यही वी नॉट तो ये है, बोलो हाँ है ना? यस सर यस। लेकिन इन दोनों के पैरेलल में क्या 5 वोल्ट नहीं है? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो 5 वोल्ट इस ब्रांच के भी पैरेलल में और इस वी नॉट की पैरेलल में, तो मैं सीधे सीधे वी नॉट को 5 वोल्ट ना बोल दूं? हाँ सर ठीक है ना। हाँ हाँ तो आज हमने डिस्कस किया वो किया डायोड की बाइसिंग है ना, तो ये डायोड का काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायोड की बाइसिंग, जिसमें कि हम प्रैक्टिकल और आइडियल डायोड दोनों की बात करते हैं। आज मैंने आपसे बात की थी आइडियल डायोड की, नेक्स्ट जो की क्लास होगी वो होगी हमारी मंडे को, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल डायोड के बारे में और फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे बीजेटी पर। ठीक है हर्षल? सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलो हर्षल। सर आप मुझे बताओ मेरे को क्या क्या बेसिक टर्म करके रखने चाहिए सर मैं कल। अच्छा अच्छा वो अच्छा ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो वैसे तो तुम्हें किसी चीज की, अरे किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हें कुछ करना है। हाँ मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। देखो तुम कुछ मत करो, वैसे तो नेटवर्क में नेक्स्ट इसके बाद नेटवर्क ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो कुछ मत करना, बस तुम थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना केसीएल केवीएल को। वैसे तो टाइम टाइम पर मैं तुम्हें चीजें रिवाइज कराते चलूंगा, लेकिन तुम्हें केवल देखना है तो तुम्हें, तुम इंटरेस्टेड हो डेडिकेटेड हो तो एक तो केसीएल केवीएल देख लेना है ना, और एक वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल देख लेना। ठीक है हर्षल? ओके सर। बस ये दो चीज देख लेना, बात बाकी देखो केसीएल भी मैंने बता दिया, तो मैं केवीएल बताई, तो मैं और देखनी है तो और देख लेना, प्रॉब्लम्स कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और वोल्टेज डिवीजन रूल देख लेना और करंट डिवीजन रूल देख लेना, तो तुम्हें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और चीजों को समझने में। ठीक है हर्षल? ओके सर थैंक यू सर। ठीक है तो आज का सेशन तो मैं यही स्टॉप करता हूँ, आज है फ्राइडे तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मंडे को। ठीक है सर, कल नहीं होगा ना, सैटरडे को नहीं होगा ना? नहीं सैटरडे संडे तो ऑफ है ना अपना सर, पिछली बार हुआ था सैटरडे को लेक्चर, मतलब मैंने सैटरडे क्लास नहीं हुई थी, सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ है। ओके सर है ना, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपनी मंडे को होगी। ठीक है थैंक यू सर। चलो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।